हम लोग आ रहे हैं है, स्टॉकहोम से हेलसिंकी हम तीन दिन पहले हेलसिंकी सिंकी से गए थे अब हम वापस आ रहे हैं आपको बोलने का मौका ही नहीं मिला और अब हमने क्रूज पे जो मस्ती की हमने लास्ट टाइम बहुत एक्सप्लोर किया क्रूज को अब हम आपको भी दिखाना चाहते लास्ट टाइम मीनस जब हम हेलसिंकी से स्टॉकहोम जा रहे थे तब हमने पूरा क्रूज एक्सप्लोर किया बहुत सारी इंजॉयमेंट की और अभी जब हम रिटर्न जा रहे हैं तो हमने सोचा कि हम आपको भी अपने साथ सैर कराते हैं क्रूज की यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं एक्टिविटीज़ तो, तो बहुत सारी होती हैं स्पेशली बच्चों के लिए मतलब आपकी एक्टिविटीज़ हर आधे घंटे पे लाइंड अप होती हैं सो ममा एम गेटिंग लेट फॉर माई ओके तो जल्दी जल्दी मैं इंट्रो ख़त्म करती हूँ ये जो जर्नी है वो सेवेंटीन आवर की होती है हेल्थिंग की टू स्टॉक होम और इस सेवेंटीन आवर में काफ़ी कुछ करने को होता है काफ़ी कुछ देखने को होता है और हमने यहाँ पे हमारा केबिन लिया है रूम लिया है तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, प्राइसेस भी बताऊंगी, एवरीथिंग आगे की वीडियोज़ में हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए बट हाँ बोरिंग नहीं होगी मैं और इंटरटेनिंग भी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी तो चलते हैं अभी आयत की एक्टिविटी होने वाली है किड्स प्ले एरिया में जो यहाँ का सिलजा uh, लेन से हम जा रहे हैं हमारे क्रूज सॉरी लाइन सिलजा लाइन हमारे क्रूज़ का नाम है तो सिलजा लैंड है यहाँ पे एक एरिया जो बच्चों के लिए स्पेशली है तो अभी हम वहाँ चलते हैं और आयत की एक्टिविटी देखते हैं तो लेट्स गो सिलजा लाइन क्रूज़ पे हमारी एंट्री हो चुकी है ये वीडियो जब हम हेलसिंकी से स्टॉक होम जा रहे थे तब की है सामने जो माइक पे दीदी बैठी हैं उन्होंने बहुत अच्छे से सॉन्ग से सबका वेलकम किया सॉन्ग हमें समझ में नहीं आया बट सुनने में अच्छा लगा जावेद रूम की लोकेशन पूछ रहे हैं कि हमारा रूम किधर है ताकि हम रूम में जाएं और अपना सामान वग़ैरह रखें और फिर क्रूज़ एक्सप्लोर करें हमारा रूम एथ फ्लोर पर था तो पहले हम वहाँ चलते हैं और रूम टूर कराते हैं ये है रूम के बाहर का कॉरिडोर एरिया ये है मेरा रूम 8614 चलते हैं हम रूम के अंदर और रूम दिखाने के साथ साथ मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगी जो आप जब क्रूज़ का टिकट बुक कराएंगे तो आपके लिए यूज़फुल होगा तो ये मेरा छोटा सा रूम है जिसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो सेवनटीन आर की जर्नी को कम्फर्टेबल बनाने के लिए काफ़ी होती है तो सामने आप देख सकते हैं ये सीढ़ी है जो ऊपर वाले बेड्स पे जाने के लिए है उसके बाद यहाँ पे हैंगर वगैरह है जो आपके कपड़े हैंग करने के लिए है नीचे मैंने स्टॉलर रखा है मेरे कुछ सामान हैं ट्रॉली एंड ऑल ये चार बेड है हमने जब टिकट लिया था तो उन्होंने पूछा था कितने पर्सन है तो हम लोग चार लोग थे नीचे दो बेड है और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये दोनों बेड है वो जस्ट लाइक दैट जो इंडिया में ट्रेन में बर्थ नीचे होता है तो ऐसे नीचे होता है इसके अंदर मैट्रेस और तकिया ब्लैंकेट सब कुछ है सामने है ये टी मिरर और यहाँ पे हेयर ड्रायर है टेलीफ़ोन है जो आप इंफॉर्मेशन डेस्क पे कॉल कर सकते हैं नीचे डस्टबिन है स्टूल है सारी चीज़ें हैं सामने है छोटू सा वॉशरूम इसके अंदर वॉशरूम के अंदर भी सारी फैसिलिटीज़ हैं बहुत ही छोटा सा है ये लेकिन हाँ अच्छा सा है क्लीन बिल्कुल तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे शावर एरिया भी है जिसका हमने यूज़ नहीं किया ऑब्वियसली इतना इतने कम टाइम के लिए हम जब स्टॉक होम पहुँचेंगे तो ऑब्वियसली हमारा होटल है हम वहाँ यूज़ करेंगे तो ये रहा मेरा वॉशरूम ये वीडियो मैंने बनाई थी तब जब हम पहुँच रहे थे स्टॉक होम तो मैं इस रूम का जो बेस्ट पार्ट है वो आपको दिखाती हूँ वो है ये आउटसाइड व्यू आउटसाइड व्यू हमने जब टिकट बुक किया था तो उसमें इनसाइड व्यू और आउटसाइड व्यू का ऑप्शन आता है तो हमने आउटसाइड व्यूज़ लिया था ये हम स्टॉक होम पहुँचने वाले हैं और ये स्टॉक होम का कोई आईलैंड है बहुत ही खूबसूरत सा तो मैं क्या ही बोलूँ ये जब भी मैं पर्सनली मैं आपको प्रेफ़र करूँगी लाइक सजेस्ट uh, करूँगी कि आप जब भी रूम बुक कराएं क्रूज़ में तो आउटसाइड व्यू के साथ कराएं क्योंकि इनसाइड व्यू तो आप ऐसे भी अंदर जाके देख ही लेंगे तो आउटसाइड व्यू ही कराएं हमने एक क्लास की टिकट बुक कराई थी रूम जो था वो हमारा एक क्लास का था पहले हमने सी क्लास का लिया था उसमें थोड़े कम पैसे लगे थे बट एक क्लास में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा था लेकिन कंफर्टेबल था और सी क्लास में एक प्रॉब्लम ये थी कि आपको स्मेल आएगी लाइक इंजन की और ऑयल की जो थोड़ा सफोकेटिंग होता है तो इसलिए आप एक क्लास का कराएँ पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे अब हम चलते हैं डेक पे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कितनी तेज़ हवा चल रही है देखिए मैंने कोशिश की कि मैं यहाँ पे अच्छे से वीडियोस बनाऊँ अच्छा अच्छा व्यूज़ कैप्चर करूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ बट हवा आप देख सकते हैं इतनी तेज़ है कि यहाँ पे मुझे लग रहा था मेरा फ़ोन उड़ के पानी में चला जाएगा तो मैं वापस से नीचे आ गई क्रूज़ एक्सप्लोर करने स्टार्ट करती हूँ मैं एंट्रेंस से क्रूज़ का जो एंट्रेंस एरिया है वो सेवेंथ फ्लोर पे था मैंने पहले भी बताया ये दो दीदी हमें गाना गा के एंटरटेन कर रही थी काफ़ी टाइम तक और ये है सेवन्थ फ्लोर का सिलजा लाइन का ये स्ट्रीट ये काफ़ी हैपनिंग स्ट्रीट है यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं बार है बहुत कुछ है सामने आप ऊपर देख रहे हैं लिफ्ट जा रही है ऊपर और ये जो पिंक लाइट्स हैं उसके नीचे आप विंडो जैसा देख रहे होंगे ये वो रूम हैं जिनका इनसाइड व्यू है जो मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया है तो इसलिए मैंने नहीं लिया था कि एनी हाउ मुझे इनसाइड व्यू तो देखना ही है अंदर तो ये देखिए ये शॉप्स हैं सारे के सारे ब्रांडेड शॉप्स हैं आप शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट मैंने शॉपिंग नहीं की थी बट मैंने शॉप्स देखे थे क्योंकि मुझे घूमना था शॉपिंग पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने थे इस साइड में छोटू सा एक कैफ़े है यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली थी स्पेशली फूड ना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था तो हम घर से ही खाना लेके आए थे ये इंफॉर्मेशन डेस्क है यहाँ से आपको जो भी पूछना है जो भी पता करना है वो आप पूछ सकते थे और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मैप हैं और बुकलेट वगैरह है कि आप हेलसिंकी जा रहे हैं या स्टॉक जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ घूमने का है कैसे क्या कर सकते हैं सारे डिटेल्स हैं यहाँ पर वो मैं जब स्टॉक की वीडियो बनाऊँगी तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी इन और सामने स्टार लाइट वाला एरिया है वहाँ पे कसिनो है और स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह होती है मैं वहाँ भी लेके चलूँगी ये किड्स एंड टॉय शॉप है यहाँ पे तो बच्चे घुसे पड़े थे सबको कुछ ना कुछ चाहिए था और लोग शॉपिंग भी कर रहे थे मज़े की बात तो ये थी कॉस्टली था फिर भी लोग शॉपिंग कर रहे थे तो अब हम चलते हैं ऊपर एटथ फ्लोर पे सेवेंथ फ्लोर पे नीचे कसिनो है बहुत बड़े एरिया में लेकिन वहाँ की पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड नहीं थे तो मैंने रिस्क नहीं लिया मैं नहीं गई वहाँ पर तो चलते हैं हम एथ फ्लोर पे इस इस फ्लोर के ही दूसरे साइड में हमारा रूम था बट इतना बड़ा है ये क्रूज के रूम और यहाँ आने के लिए इस एरिया में ऐसा ना हमें पहले लिफ्ट से सेवन्थ फ्लोर पर आना पड़ा देन हम इधर आए यहाँ पे मुझे लग रहा है बच्चों की एक्टिविटी हो रही थी हाँ यहाँ पे जो हम इंडिया में हाउजी या तंबोला बोलते हैं बिंगो तो वही हो रहा था गेम यहाँ पे जो हैरी द सील था एक इस क्रूज पे ये देख रहे हैं सामने सील खड़ा है तो वही बच्चों को हाउजी खिला रहा था सारे बच्चे खेल रहे थे आयत भी खेल रही थी तो आयत ने कुछ जीता नहीं बट हाँ इन्जॉय बहुत किया यहाँ पे अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद जब हाउजी ख़त्म हो गया तो सामने आप देख रहे हैं कार्टून कैरेक्टर है ये है फिनलैंड का बहुत ही फेमस कार्टून कैरेक्टर इसका नाम है मोमिन तो मोमिन के साथ सारे बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया ये सारी एक्टिविटी नौ बजे तक होती है बच्चों की रात में जब सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो क्रूज पे खूबसूरती एक अलग ही तरह की देखने को मिलती है कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी आपके साथ टिकट के रिगार्डिंग टिकट का प्राइस जो मैंने पे किया था वो किया था फ़ोर हंड्रेड यूरोज़ फॉर फोर, फोर पर्सन चार लोग थे हम और इंडियन करेंसी आप बोले तो थर्टी टू थाउजेंड लेकिन अगर आप राउंड ट्रिप करते हैं सेम डे ही क्रूज़ से वापस आ जाते हैं जिस दिन आप पहुंच रहे हैं उस दिन ही तो आपको कम पे करना पड़ेगा हमने दो दिन स्टे किया था उसके बाद हमारी क्रूज़ थी तो हमने फोर हंड्रेड पे किया था बट चार लोगों का मुझे लगता है अगर आप सेम डे वापस आएंगे तो आपको टू लगेगा टू 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 यूरोज़ तो ये कम है तो आप देख लें लेकिन हाँ आपको स्टॉकों में घूमने का कम टाइम मिलेगा तो बच्चों के साथ ये पॉसिबल नहीं है तो आप देख लें क्या करना है ये है सिलजा लैंड फिफ्थ फ्लोर पे ये है बच्चों के लिए एरिया बहुत बड़ा एरिया है ये छोटे बच्चों का इट्स हेवन फॉर किड्स स्पेशली मेरी अरहमा के लिए ये है फिफ्थ फ्लोर पे आप देख सकते हैं बट अगर आप जा रहे हैं तो आप टेंथ नंबर की जो लिफ्ट है उससे आप आए इस फिफ्थ फ्लोर पे इस सिल्जा लैंड वाले एरिया में नहीं तो आप बहुत मुश्किल होगा आपको ढूंढने में तो ये मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि दस नंबर की लिफ्ट से आप आएँ बाकी ये देखिए ये है सिलजा लैंड का एरिया यहाँ पे टीवी छोटा सा लगा है कार्टून वगैरह देखने के लिए बच्चों के और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं मतलब पेरेंट्स जो हैं वो भी बच्चों के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं देख सकते हैं आप पेंटिंग वगैरह है यहाँ पे आयत का एक गेम चल रहा है जो इस एरिया की जो इंचार्ज हैं वो यहाँ पे गेम करा रही हैं बच्चों का बहुत ही अच्छा सा गेम था ये देख सकते हैं पेरेंट्स कॉर्नर है वहाँ पर बैठ सकते हैं यहाँ पर छोटा सा आइसक्रीम और कॉफ़ी कॉर्नर भी है जिधर गेम चल रहा है वहीं पर तो वहाँ पर पे पेरेंट्स भी बैठ के इन्जॉय कर सकते हैं सामने डब्ल्यू सी वॉशरूम है दो वॉशरूम है बच्चों के लिए इस एरिया में यहाँ पे लेगो है बच्चे लेगो खेल रहे हैं देख सकते हैं आप और बार विंडो से देख रहे हैं सनसेट का टाइम है ये जब मैंने ये वीडियो शूट किया था तो और ये छोटा सा अंदर रूम के अंदर ही है ये एक आ, गेम जोन वाला एरिया है गेम एरिया है बच्चे खेल रहे हैं देख सकते हैं आप वीडियो गेम तो ये बहुत ही खूबसूरत एरिया था आयत तो लाइक और भी चीजें चीजों के लिए बाहर जा रही थी बट अरहमान से यहीं पे रहना था व्यू देखिए आप अमेजिंग किड्स कॉर्नर में जो स्टाफ थी उन्होंने टैटू भी बनाए पेंट से फेस पे हाथ पे जिसको जिधर बनवाना था फेस पेंटिंग के नाम से ये एक्टिविटी थी ये छोटा बच्चा व्यू, व्यू एंजॉय कर रहा है इतना खूबसूरत व्यू है कि कोई भी इंजॉय करे अब बारी आती है सील से मिलने की हैरी द सील सिलजा लाइन क्रूज का ये सील है जिसका नाम हैरी है इसके बारे में हमें पहले से इन्फॉमेशन दे दी गई थी कि हैरी आने वाला है सिलजा लैंड के बाहर मिलने के लिए इस ये टाइमिंग है उसकी तो सारे बच्चे वहाँ पे आ गए थे और वन बाय वन सब मिल रहे थे ये जो सारी एक्टिविटीज़ की जो इन्फॉमेसन होती है ये सब आपको या तो इन्फॉर्मेशन डेस्क से मिल जाएगी या फिर सिलजा लैंड जो बच्चों का कॉर्नर है उसके अंदर एक छोटा सा नोटिस बोर्ड है वहाँ पर भी फिनिश और इंग्लिश में नोटिस लिखा हुआ है तो हमने वहीं से ये एक्टिविटीज़ की नोटिस uh, की फ़ोटो ले ली थी मोबाइल में क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती ये बड़ों की अलग बच्चों की अलग वो बन वन बाई वन लाइनअप होती है तो आप ना उसके अकॉर्डिंग आप चले जाएँगे कहाँ पर क्या हो रहा है ये जो एरिया है ये कसिनों के बाहर का है ये आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे भी गेम्स है यहाँ पे आप क्वाइन डालेंगे और फिर ये सारे गेम आप खेल सकते हैं तो ये मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई थी ये एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोग्राम था हाफ एन आवर का यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे ये देख रहे हैं सामने जो ये भैया है ये ट्रैम्पलिन पे अपना स्टंट दिखा रहे हैं कुछ लोग गाना गा रहे हैं एक लेडी है एक, एक भैया पीछे गाना गा रहे हैं कोई डांस कर रहा है तो ये कैरेक्टर्स को मैं पहचानती नहीं हूँ हमारी फैमिली से कोई नहीं पहचान रहा था पता नहीं क्या है ये कुछ होगा अगर जो लोग पहचानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें बठ आइनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया बहुत इन्जॉय किया लोगों ने अच्छा था एंटरटेनिंग था आयत ने सबके साथ फ़ोटो भी ली आप देख सकते हैं वन बाय वन एक, एक करके भी फोटो ली ये जो बड़े वाले भैया है ना उन उसको देख के अरहमा बहुत एक्साइटेड थी कि ये इतना लंबा कैसे है फिर उसके बाद छोटे बच्चों का भी एक परफॉर्मेंस काइंड ऑफ हुआ बच्चों को बुला के ना उन्हें सर्कस में कुछ ऐसे सिखा रहे थे बच्चों को तो ये अच्छा था और उसके बाद फिर एक स्टेज शो हुआ एक ड्रामा काइंड ऑफ ये मैजिकल ड्रामा शो था स्टोरी थी इसमें और लकली ये फिनिश में नहीं था इंग्लिश में था तो हमें ये समझ आ रहा था ये हमने पूरा शो देखा बहुत अच्छा था क्रूज पे एक बहुत बड़ी सी स्टोर थी टैक्स फ्री सुपर स्टोर यहाँ पे ये सुपर मार्केट काइंड ऑफ था स्टोर नहीं था बहुत बड़ा सा था ये और ये सिक्स फ्लोर पे था इंट्रेंस इसका सेवन फ्लोर से भी है तो इस स्टोर में जाते हुए मैंने एक ये कॉर्नर भी नोटिस किया ये गिफ्ट रैप वाला एरिया था यहाँ पे आप फिफ्टी सेंट डालेंगे इस मशीन में तो यहाँ से रैपर बाहर आएगा एक मीटर और फिर बाकी सारी चीज़ें सीज़र एंड ऑल बाहर है वो आप गिफ्ट रैप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं स्टोर में हम पहुंच चुके थे और हमें लेना था पानी क्योंकि जो हम घर से पानी लेके आए थे वो ख़त्म हो गया था क्रूज़ पे आपको पानी खरीद के पीना है ऑब्वियसली नहीं तो फिर वॉशरूम में जो टैब लगा है वहाँ से पीना है तो वो ना ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो मैंने पानी ख़रीद के ही पिया हम लोगों ने तो ये पानी ना एक छोटी सी बॉटल का प्राइस है टू एंड हाफ यूरो लाइक दो हमने लिया था एट हंड्रेड रुपीज़ का एक लीटर पानी तो ये थोड़ा ना महंगा लग रहा था मुझे बाकी यहाँ पे ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा थे लोग बहुत खरीद रहे थे शायद इस पर टैक्स कम था बाकी चीज़ें बहुत महंगी थी स्पेशली खाने पीने की चीज़ें तो बहुत महंगी थी तो हम ना खाना घर से लेके आए थे मतलब डिनर में लेके आई थी घर से बिरयानी बना के और ब्रेकफास्ट के लिए मैं ड्राई स्नैक्स लेके आई थी क्योंकि यहाँ पर बुफे जो था यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया था ग्रैंड बुफे नाम से वहाँ पर भी फोटोज़ अलाउड नहीं थे तो मैंने नहीं लिए वहाँ का वीडियोस फोटोज़ बट जब हमने बुक किया था टिकट उस टाइम पे भी एक ऑप्शन आया था वही बुफे का तो अडल्ट का था फोर्टी एट यूरो और बच्चों का था लाइक आयत का था फिफ्टीन यूरो जो काफ़ी महंगा था और हमें वेज ही खाना था क्योंकि नॉन वेज हलाल वाला फिर मसला हो जाता है तो हमने नहीं लिया था बाकी फिर हमने एक शॉप से सवेनियर्स लिया ये देख सकते हैं कीरिंग लिया जो मुझे काफ़ी पसंद आया चार यूरो का एक की रिंग था और एक सोवेनियर्स लाइक मैग्नेट था फ्रिज मैग्नेट ये भी चार यूरो का था तो ये मैंने लिया अरम और जावेद सो गए थे तो शाम में मैं और आयत देख पे आए हवा तो काफ़ी तेज़ थी बट हमें सनसेट का व्यू देखना था तो हम ऊपर आए थे ये छोटे बच्चों का पार्क है और ये जो आप देख रहे हैं ना ये शीशे के अंदर ये स्विमिंग पूल वाला एरिया है यहाँ पे भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी और यहाँ पर जाने के लिए स्विमिंग पूल यूज़ करने के लिए आपको पर पर्सन फोटीन यूरोज पे करना होगा तभी आप स्विमिंग पूल में जा सकते हैं तो हमने वो सर्विस नहीं ली थी तो हम बस देख के उस एरिया को और हम आ गए सनसेट व्यू इन्जॉय करने के लिए इस खूबसूरत से नजारे को जावेद ने मिस कर दिया क्योंकि वो सो गए थे थक गए थे एक्चुअली एक स्टॉक होम घूम के ये रिटर्निंग की वीडियो है जब हम हेलसिंग की जा रहे थे आप देख सकते हैं ये पानी और ये सनसेट ये बहुत ही खूबसूरत था अगर आप फिनलैंड से एक स्टॉक होम क्रूज से जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सिलजा लाइन क्रूज से ही जाएं, स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे एक और क्रूज़ है जिसका नाम है वाइकिंग लाइन जो स्टॉकहोम जाती है हेलसिंकी से बट उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है करने के लिए ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था वाइकिंग लाइन का इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाकी बड़ों के लिए यहाँ पे पब भी है डिस्को भी है ये आप देख रहे हैं सामने वो सब एरिया है वहाँ मैं नहीं गई थी इसलिए वहाँ की वीडियोज़ नहीं हैं तो ये थी मेरी वीडियो आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ अपना ख्याल रखें खुश रहें और जावेद की तरह आप भी ये व्यू इंजॉय करें बाय